ऑल वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं हूँ श्रेयोशी कोलकाता से। सो मैं जो अभी अपने चैनल पे ये प्रेगनेंसी सीरीज कर रही हूँ, जिसमें मैं प्रेगनेंसी के ऊपर डिफरेंट वीडियोस आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, उसी सीरीज का आज मैं बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ जो कि है फूड रिलेटेड। सो बहुत कन्फ्यूजन होता है हम लोगों को कि प्रेगनेंसी के दौरान हम लोग को क्या खाना चाहिए या फिर किस टाइम पे क्या खाना चाहिए। सो उसी के ऊपर आज का ये वीडियो है, जिसमें मैं डिटेल आप लोग को एक आइडिया देने वाली हूँ कि इस टाइम पे आप क्या क्या खा सकते हो। सो इसमें मैं ब्रेकफास्ट से लेके डिनर तक सारे ही पार्ट्स में आप लोग को बताऊँगी और बहुत सारा ऑप्शंस भी देने वाली हूँ, ताकि इसमें से जो भी आपको पसंद आए उस हिसाब से आप ले सकते हैं। क्योंकि हर एक का फूड जो टेस्ट होता है वो अलग होता है, हर एक जगह का खाना भी अलग होता है। सो इसलिए मैं बहुत सारा ऑप्शन दूंगी, उसमें से आपको जो अच्छा लगे, आप जिसमें कंफर्टेबल हो, आप उस तरीके से चूज करके खा सकते हो। और इसमें मैं वेज और नॉन वेज दोनों ही ऑप्शन दूंगी। हालांकि मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ, मैं एग, फिश, चिकन सब कुछ लेती हूँ, लेकिन बहुत जन होते हैं जो प्योर वेजिटेरियन होते हैं। सो उन लोगों के लिए आज के इस वीडियो में मैं वेज और नॉन वेज दोनों का ही ऑप्शन बताने वाली हूँ। सो जिसमें भी आप कंफर्टेबल है, आप उस तरीके से चूज कर सकते हैं ऑप्शन। सो चलिए अभी बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो जो है वो स्टार्ट करते हैं। और अगर ये वीडियो अच्छा लगे सो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो मोस्टली मैं जिस टाइम से अपना डे स्टार्ट करती हूँ उसी अकॉर्डिंगली मैंने टाइम यहाँ पे डिवाइड कर लिया है। सो मैं मोस्टली 7-7:30 बजे तक उठ जाती थी सुबह में, और उठते ही सुबह मैं सबसे पहले थोड़ा सा पानी पीती थी, जो कि हाफ ग्लास या मैक्सिमम एक ग्लास है। अब बहुत सारा पानी एक साथ इस टाइम पे मत पीजिए, नहीं तो आपको वॉमिटिंग सा हो सकता है, और बहुत जन को मॉर्निंग सिकनेस भी बहुत ज़्यादा होता है। हालांकि मेरे केस में ऐसा नहीं था। सो इसलिए आप थोड़ा थोड़ा सिप लेके, थोड़ा सा टाइम लेके आप पानी पीजिए, लेकिन उठते ही थोड़ा सा नॉर्मल पानी पीना बहुत अच्छा होता है। सो इसके कुछ टाइम के बाद मैं थोड़ा सा मतलब पानी में भिगोया हुआ जो बादाम होता है वो खाती थी, जो कि मैं पिछले वाले रात ही नॉर्मल पानी में उसको सोख करके रख लेती थी। मोस्टली जो है मैं काजू, आमंड, इस तरीके का जो ड्राई फ्रूट्स आता है वो लेती थी। इसके अलावा भी बहुत तरीके का ऑप्शन है, आप ले सकते हैं अगर आप कंफर्टेबल है, जैसे पिस्ता हुआ, फिर अखरोट हुआ, या फिर खजूर हुआ, आप चाहे तो वो सारा भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मुझे इतना पसंद ये सारे ड्राई फ्रूट्स नहीं है, इसलिए मैं सिर्फ आमंड, काजू यही सब खाती थी। सो मैं पिछले वाले रात उसको पानी में भिगो के रख लेती थी, और नेक्स्ट डे इसका जो है ऊपर वाला जो वो है उसको मैं पील करके फिर जो है मैं वो ड्राई फ्रूट्स लेती थी। और उसके थोड़ी ही देर बाद मैं जो है टी और बिस्किट भी लेती थी। सो अगर आप लोगों को भी आदत है सुबह मेरी तरह चाय पीने की, तो आप कोशिश कीजिए कि वो मिल्क वाला चाय ना हो, क्योंकि सुबह सबसे पहले जो खाना आप खा रहे हैं उसमें अगर ये मिल्क टी आप पीते हैं तो पूरा दिन आपको थोड़ा सा एसिडिटी का प्रॉब्लम लगा रहता है। क्योंकि इस टाइम पे, प्रेगनेंसी के टाइम पे, आपको थोड़ा बहुत वैसे ही नॉर्मली एसिडिटी का इशू लगा रहता है। सो इस टाइम पे आप थोड़ा सा ये मिल्क टी अवॉइड करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। इसलिए मैं जो है लिकर ही पीती थी, और उसके साथ मैं 2 से 3 नॉर्मल कोई सा भी बिस्किट वो मैं लेती थी। इसके बाद अप्रॉक्सीमेटली 2 घंटे के गैप देने के बाद अप्रॉक्सीमेटली 9-9:30 बजे तक मैं अपना ब्रेकफास्ट करती थी। सो अगर आप वर्किंग भी है सो इस टाइम ऑफिस जाने से पहले आप अच्छे से ब्रेकफास्ट करके जाइए। सो बहुत बार होता है कि हम लोग को सुबह के टाइम पे स्पेशली कुछ भी खाने का मन नहीं होता है, या फिर बहुत ज़्यादा नौजिया लगता है, मॉर्निंग सिकनेस होता है। सो उस टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, खाना पूरा ही अवॉइड कर देते हैं, नहीं खाते हैं। ये और ज़्यादा हम लोग को प्रॉब्लम करता है, क्योंकि हम लोग को लगता है खाने से वॉमिटिंग होगा, लेकिन एक्चुअल जो प्रॉब्लम है, मैंने जो अपने डॉक्टर से भी पता किया था कि आप जितना नहीं खाओगे तो एम्प्टी स्टमक से भी और वो आपको नौजिया ज्यादा लगता है। सो इसलिए आप ब्रेकफास्ट कभी भी स्किप मत कीजिए, हैवी ब्रेकफास्ट जरूर कीजिए। और आप अगर एक साथ बहुत खाना आपको प्रॉब्लम कर रहा है तो वो मत कीजिए, आप जो है छोटा छोटा मील लीजिए, लेकिन बहुत ज़्यादा गैपिंग मत कीजिए। आप हर 2.5 से 3 घंटा या 2 से 3 घंटे के बीच में छोटा छोटा कुछ खाना खाते रहिए, तो फिर जो ये आपको बहुत ज़्यादा नौजिया होता है ये आपका धीरे धीरे कम होगा, आपको बेटर फील होगा। सो ब्रेकफास्ट में मैं जो ऑप्शंस आप लोगों को बताना चाहती हूँ, मैं बंगाली हूँ इसलिए कुछ कुछ मैं इसमें बंगाली फूड की अलाउ मतलब इंक्लूड करूँगी।
इसलिए सुबह जो है ब्रेकफास्ट में आप रोटी सब्जी और एग ले सकते हैं। एग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। आप अपने मील में पूरे दिन में कभी भी कोई भी टाइम पे एग ज़रूर खाइए। ये बहुत अच्छा होता है बेबी के ब्रेन डेवलपमेंट में या ओवरऑल डेवलपमेंट में भी। ये सुबह ब्रेकफास्ट में ही मुझे लेना अच्छा लगता था, इसलिए मैं सुबह ही ब्रेकफास्ट के साथ ले लेती थी। अगर आपको डायरेक्ट बॉइल्ड एग में प्रॉब्लम होता है, स्मेली लगता है, इसमें आप है जो एग का भुर्जी भी ले सकते हैं, उसमें उतना आपको पता नहीं चलता है। इस तरीके से आप जो है रोटी सब्जी एक भुर्जी इस तरीके से ले सकते हैं, पूरा एक कंप्लीट मील। और अगर आप वेजिटेरियन हैं तो फिर आप एग की जगह उसको पनीर भुर्जी से रिप्लेस कर सकते हैं। पनीर भी बहुत अच्छा ऑप्शन है वेजिटेरियन के लिए, प्रोटीन ऑप्शन है। आप इस तरीके से फुल एक मील ले सकते हैं। सेकेंड जो ऑप्शन मैं बताना चाहती हूँ ब्रेकफास्ट के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है और वो है पोहा। हम बंगालीज जो है इसको दूसरे तरीके से भी खाते हैं। जैसे पोहा को हम लोग नॉर्मल पानी में भिगो के कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं, जब वो बिल्कुल नरम हो जाता है पानी को ड्रेन करके उसके अंदर हम लोग दही मिक्स करके और उसमें थोड़ा सा शुगर मिक्स करके हम लोग खाते हैं। आई एम श्योर जो मेरे बंगाली ऑडियंस होंगे वो रिलेट कर पा रहे होंगे। इस तरीके से हम लोग खाते हैं। और अगर आप बाहर के हैं तो फिर आप पोहा भी खा सकते हैं जिसमें बहुत सारा वेजिटेबल्स बादाम ये सब ऐड कर सकते हैं, तो वो भी बहुत एक अच्छा फिलिंग वाला ब्रेकफास्ट हो जाता है। उसके साथ आप एग्स ले सकते हैं। थर्ड जो ऑप्शन है उसमें आप पराठा ले सकते हैं। इसमें आप नॉर्मल जो पराठा बनता है घर में वो भी ले सकते हैं। इसके साथ अगर आपको सूट करता है तो आप बटर यूज़ कर सकते हैं पराठे के ऊपर। इसके अलावा बहुत तरीके के और पराठे भी मिलते हैं, दाल के बनते हैं, फिर गोभी के बनते हैं, आलू के बनते हैं। इस तरीके से आप कोई सा भी पराठा भी अपने ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं। और फोर्थ जो ऑप्शन है वो आप पूरी सब्जी भी खा सकते हैं, लेकिन उस केस में आप मैदा जो है वो अवॉइड कीजिए और आटे का जो पूरी बनता है वो ले सकते हैं, क्योंकि मैदे से बहुत टाइम होता है कि बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है या फिर बहुत एसिडिटी का भी प्रॉब्लम होता है। इसके अलावा आप जो है आटे का जो पूरी बनता है तो वो आप ले सकते हैं ब्रेकफास्ट में। आप कोशिश कीजिए ब्रेकफास्ट में कुछ भी बाहर का ये जो रेडीमेड होता है इस तरीके का फूड ना ले। सुबह जो घर पे आपके बन रहे हैं फ्रेश फ्रूट, आप फर्स्ट मील वही फ्रेश जो खाना बन रहा है वो लीजिए, फ्रेश एकदम फूड। इससे है कि पूरा दिन आपका जो है बहुत अच्छा आपको फील होगा। ब्रेकफास्ट के बाद अराउंड 11:30 तक मैं फ्रूट्स लेती थी हर रोज। प्रेगनेंसी के टाइम आप पूरे दिन में कभी भी फ्रूट्स जरूर अपने मील में इंक्लूड कीजिए और प्रेफरेबली आप इसको सुबह के टाइम ही कोई टाइम पे खा सकते हैं तो अच्छा है। आप शाम के बाद फ्रूट्स थोड़ा सा अवॉइड कीजिए, उससे एसिडिटी का जो है प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाता है। और फ्रूट्स में जो भी सीजनल फ्रूट्स है आप वही लीजिए। अगर आप विंटर के टाइम है तो फिर आप मौसम्बी या ऑरेंज या फिर एप्पल इस तरीके का कोई भी फ्रूट ले सकते हैं जो उस टाइम के सीजनल फ्रूट होते हैं। और अगर आप समर टाइम पे है तो फिर आप बनाना, ग्रेप्स, फिर मैंगो, पोमीग्रेनेट इस तरीके से कोई भी समर जो फ्रूट्स होता है, वाटरमेलन इस तरीके से आप ले सकते हैं। जो भी मेरा मतलब है, जैसे आप समर टाइम पे अगर आप एप्पल खा रहे हो तो वो ऑब्वियसली कोल्ड स्टोरेज का ही एप्पल होगा, क्योंकि समर में एप्पल होते तो है नहीं, तो इसलिए वो फिर स्टोर फ्रूट में आ जाता है। इसलिए आप जो भी सीजनल फ्रूट है जो उस टाइम पे ही हो रहा है फ्रेश फ्रूट्स, आप वो खाइए उस टाइम पे, वो ज़्यादा अच्छा होता है। अगर आप एज इट इज़ फ्रूट नहीं लेना चाहते हैं और उसका जूस बना के आप लेना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, जैसे वाटरमेलन जूस या फिर ऑरेंज जूस इस तरीके से भी आप ले सकते हैं। लेकिन आप जो पैक्ड जूस मिलता है जैसे ट्रॉपिकाना वगैरह जो जूस होता है उस तरीके का पैक्ड जूस मत लीजिए, आप घर पे फ्रेश जूस बना के उसके बाद लीजिए। और फ्रूट जब आप खा रहे हो तो बहुत देर तक उसको काट के मत रख लीजिए। आपको जब खाना होगा फ्रूट आप तुरंत उस टाइम पे काट के फ्रेश और तभी खा लीजिए। इन केस अगर आप ट्रैवल कर रहे हो या फिर आप ऑफिस जाते हो तो भी आप उसको काट के टिफिन बॉक्स में भर के इस तरीके से मत कैरी कीजिए। आप जो है फ्रूट्स अपने संग लेके जाइए और वहाँ पे ऑफिस में आप पैंट्री में या अपने साथ आप नाइफ भी कैरी कर सकते हैं और फ्रेशली आप वहाँ पे उसको काट के वॉश करके तभी फ्रूट खा सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं लंच पे। तो आप 1 से 2 बजे के बीच में लंच अपना कर लीजिए, उससे ज़्यादा लेट लंच मत कीजिए। यूजुअली सारे ऑफिस में भी इसी टाइम पे मोस्टली लंच टाइम होता है। अगर आप वर्किंग भी है तो भी ये टाइम आपके लिए परफेक्ट रहेगा। मैं भी इस टाइम तक अपना लंच जो है वो कर लेती थी। और लंच में फिर से आप पूरा एक फुल मील लीजिए, जैसे राइस,
दाल, दाल आप नॉन वेज हो या फिर वेज हो, एक फुल बोल ऑफ दाल अपने मील में ज़रूर ऐड कीजिए हर दिन। बहुत तरीके का दाल जैसे होता है अरहर दाल, फिर मसूर दाल, जो भी आपको अच्छा लगे, इस तरीके का एक बोल ऑफ दाल आप ज़रूर अपने मील में ऐड कीजिए, उसके साथ सब्जी और फिर एक नॉन वेज आइटम। अगर आप सुबह एक खा ही रहे हो तो फिर फिश या चिकन, इस तरीके से कोई एक नॉन वेज आइटम, उसके साथ कर्ड या सैलड, इस तरीके से आप फुल एक मील लंच में खाइए। और इसके साथ अगर आप राइस खाने में कंफर्टेबल नहीं है तो राइस की जगह आप रोटी भी खा सकते हैं। और इसके अलावा जैसे हम बंगालीज थोड़ बोलते हैं, जो कि बनाना स्टेम होता है, बनाना फ्लावर होता है जिसको हम लोग मूचा बोलते हैं, इस तरीके की चीज़ आप खा सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा आयरन होता है जो कि बहुत अच्छा होता है प्रेगनेंसी के टाइम। इसके अलावा आप साग ले सकते हैं, जो भी सीजनल साग होता है उस तरीके से ले सकते हैं। फिर जो करेला होता है, जैसे आप लोग बाहर में करेले की सब्जी खाते हो, लेकिन हम बंगालीज जो है करेले को आलू के साथ बॉईल करके और उसके साथ मिक्स करके भी खाते हैं। इस तरीके से जो है आप एक और एक्स्ट्रा आइटम ले सकते हो। और अगर आप वेजिटेरियन हो, आप फिश या चिकन कुछ भी नहीं लेते हो, उस जगह में आप उसको रिप्लेस कर सकते हो, अपनी न्यूट्रला जो सोयाबीन होता है वो ले सकते हो, या फिर राजमा, फिर पनीर, फिर तड़का जो दाल होता है वो, इस तरीके से दूसरे जो रिच प्रोटीन होता है वेज प्रोटीन, उससे आप जो है नॉन वेज को रिप्लेस कर सकते हो। इसके बाद अप्रॉक्सीमेटली 3:30 बजे तक मैं एक फुल कोकोनट वाटर लेती थी। कोकोनट वाटर प्रेगनेंसी में बहुत अच्छा होता है, या थ्रू आउट कोई भी सीजन में आप प्रेग्नेंट हो आप ले सकते हो। कोकोनट वाटर बहुत अच्छा आपके पूरा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसको अच्छा रखता है, बहुत अच्छे से आपके पूरा जो डिहाइड्रेट बिल्कुल आपको नहीं करता है, तो ये बहुत अच्छा होता है प्रेगनेंसी में। इसलिए मैं 3:30 बजे तक एक पूरा फुल कोकोनट वाटर जो है वो पीती थी। के बाद 5:30 बजे तक आप फिर से चाय पी सकते हो, अगर आप बहुत ज़्यादा चाय के शौकीन हो तो। उस टाइम पे आप चाय और बिस्किट ले सकते हो, या फिर उस टाइम पे आप दूध भी ले सकते हो। अब बहुत जन को होता है कि डायरेक्टली दूध वो लोग नहीं ले सकते हैं, तो उसको आप छीना के फॉर्म में भी खा सकते हो, लेकिन मुझे जो है, मुझे ग्लूटेन बहुत ज़्यादा एलर्जी था, इसलिए मैं दूध या दूध रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट नहीं पी सकती थी या ले सकती थी। उस केस में जो है मैं ये सोया मिल्क जो आता है ये पीती थी, इससे है जो मुझे बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होता है। ये जो है, ये जो जिन लोगों को भी ग्लूटन एलर्जी होता है वो इस तरीके के सोया मिल्क ले सकते हैं। अब अगर आपको नौजिया लग रहा है, आप डायरेक्टली ऐसे नहीं पी पा रहे हो, इसमें आप इस तरीके का कोई भी जो चॉकलेट पाउडर आता है, जैसे ये कैडबरी का हॉट चॉकलेट पाउडर है, इस तरीके से आप इसमें मिक्स करके खा सकते हो। लेकिन कोई भी सप्लीमेंट या फिर प्रोटीन पाउडर इस तरीके से आप मिक्स मत कीजिए अपने डॉक्टर से बिना पूछे, क्योंकि ये अच्छा नहीं होता है। अगर आपके डॉक्टर आपको बताते हैं कि आप ले सकते हो तभी आप ऐड कीजिए, अदरवाइज कोई भी इस तरीके की चीज आप मिक्स करके मत लीजिए। दूध के साथ आप जो है खजूर भी इस टाइम पे ले सकते हो, वो भी बहुत अच्छा होता है। अगर आप सुबह सुबह खजूर आपसे नहीं खाया जाता है, जो कि मेरे साथ होता था ऐसे, तो आप इस टाइम पे दूध के साथ खजूर ले सकते हो। आपके लास्ट ट्राइमेस्टर में, जैसे 8th या 9th मंथ में अगर हो, तो उस टाइम पे आप थोड़ा सा केसर भी मिक्स करके इसके साथ ले सकते हो, या फिर बहुत जन होते हैं कि हल्दी वाला दूध पीते हैं, आप इसमें कच्ची हल्दी भी मिक्स करके ले सकते हो। इस टाइम पे आप प्रेफरेबली ये दूध ले लीजिए, क्योंकि उस पूरे टाइम पे आपको ये फीलिंग भी रखेगा, और दूध लेना अच्छा भी होता है प्रेगनेंसी में, ये रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम होता है, इसलिए इस टाइम पे आप चाय को अवॉइड अगर कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। चाय को अवॉइड करके इस टाइम पे आप मिल्क पी सकते हैं। अब आते हैं इवनिंग स्नैक्स में, जो कि मैं 6 से 7 के बीच में लेती थी, क्योंकि आप जो लंच है वो ले रहे हो 1 से 2 बजे के बीच में, और आप डिनर करोगे 9 साढ़े 9 बीच में, तो ये जो पूरा टाइम है ये बहुत टाइम का एक लॉन्ग गैप है। इसलिए आपको जो है इवनिंग जो स्नैक्स है वो थोड़ा सा हेवी कुछ खाना चाहिए, ताकि बहुत गैप ना हो। इस टाइम के लिए बहुत सारा ऑप्शन मैं आप लोगों को देने वाली हूँ, वेज और नॉन वेज दोनों ही। आप इस टाइम पे जो है सूप पी सकते हो, अगर आप विंटर में प्रेग्नेंट हो तो। वेजिटेरियन के लिए आप जो है स्वीट कॉर्न सूप पी सकते हो, नॉन वेज जो है आप लोग चिकन सूप पी सकते हो, या फिर नॉर्मल जो सब्जी आता है सब्जी को बॉइल करके आप लोग वो भी खा सकते हो। इसके अलावा इस टाइम पे आप लोग सैंडविच ले सकते हो घर पे बना हुआ। अगर इन केस आप वेजिटेरियन हो तो उस टाइम पे आप जो आलू या फिर पनीर इस तरीके का स्टफिंग अंदर डाल सकते हो, या फिर अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो फिर आप चिकन, श्रेडेड चिकन का भी अंदर में आप डाल सकते हो, या फिर जो
हम लोग सलामी सॉसेज वगैरह आजकल मिलते हैं उस तरीके से भी अंदर में आप फिलिंग डाल के उसको ग्रिल करके अच्छे से आप सैंडविच का भी ऑप्शन ले सकते हो। इसके अलावा आप स्वीट कॉर्न ले सकते हो जो मिलता है मार्केट में, उसको आप अच्छे से घर में बॉईल करके और उसके अंदर आप थोड़ा सा, अगर नॉर्मली आपको उसको खाना है, बहुत हैवी नहीं बनाना है, तो नॉर्मली आप उसमें थोड़ा सा सॉल्ट पेपर चना मसाला इस तरीके से ऐड करके खा सकते हो। और अगर आप थोड़ा सा उसको और ज़्यादा फिलिंग बनाना चाहते हो तो उसमें आप क्यूकम्बर टोमेटो प्याज इस तरीके से छोटा छोटा काट के उसको आप मिक्स करके फिर ले सकते हो। इसी तरीके से जो चना मिलता है, जो थोड़ा सा बड़ा वाला चना होता है, उसको भी आप इस तरीके से खा सकते हो। चना और आलू को एक साथ आप बॉईल करके उसके अंदर आप क्यूकम्बर टोमेटो, फिर चाहे तो उसमें थोड़ा सा आप कर्ड भी मिक्स कर सकते हो और चाट मसाला इस तरीके से मिक्स करके आप ले सकते हो। स्प्राउट्स भी आप इस तरीके से खा सकते हो। सो ये सारी जो ऑप्शंस होते हैं, ये बहुत ज़्यादा अच्छा ऑप्शन होता है, इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन भी आपको मिलता है, लेकिन ये बिल्कुल भी आपके मतलब ज़्यादा हैवी नहीं बनाता है और ज़्यादा एसिडिटी भी नहीं होता है, और घर पे ही ये सारा चीज़ आप बहुत कम टाइम में बना के खा सकते हो। सो इस तरीके से ये सारे जो मिक्स है, ये सब भी आप ले सकते हो। इसके अलावा जो सूजी होता है, सूजी का जो हलवा बनता है, हम लोग जैसे बंगाली उसको दूध और सूजी को एक साथ मिक्स करके उसमें बहुत सारा ड्राई फ्रूट्स डाल के इस तरीके से खाते हैं, तो वो भी अगर आप बंगाली हो तो उस तरीके से भी खा सकते हो। या फिर एक जो आता है थोड़ा सा, उसको बाहर जो ज़्यादा लोग लेते हैं कि उसमें बादाम और वेजिटेबल्स काट के और थोड़ा सा उसको मसाला वगैरह डाल के भून के बनाते हैं, उस तरीके से भी आप ले सकते हो। सूजी भी बहुत अच्छा एक ऑप्शन है। फिर इसके अलावा जो कॉर्नफ्लेक्स आता है वो भी आप ले सकते हो। मिल्क और कॉर्नफ्लेक्स को मिक्स करके उसके अंदर आप कोई फ्रूट्स भी मिक्स कर सकते हो, ड्राई फ्रूट्स भी मिक्स कर सकते हो, इस तरीके से भी आप ले सकते हो। इसके अलावा जो कस्टर्ड पाउडर मिलता है बहुत सारे फ्लेवर्स के, मैंगो या फिर वैनिला इस तरीके से, तो कस्टर्ड पाउडर भी आप ले सकते हो और दूध में अच्छे से दूध को बॉयल करके उसमें आप मिक्स करके कस्टर्ड फ्रिज में थोड़ी देर रख के ठंडा करके, वो भी बहुत अच्छा होता है। उसमें भी बहुत सारा आप जो है सीजनल फ्रूट्स मिक्स कर सकते हो या ड्राई फ्रूट्स मिक्स कर सकते हो, सो वो भी बहुत अच्छा लगता है। इस तरीके से बहुत सारा मतलब ऑप्शन मैं दे रही हूँ ताकि एक एक दिन आप अलग वैरायटी ऑफ फूड खा सकते हो, ताकि आपको एक ही जैसा नहीं लगेगा और जिस दिन भी जो भी आपको मन कर रहा है उस अकॉर्डिंगली आप खा सकते हो। इसके बाद आप 9:30 बजे तक आप डिनर कर लेना, और डिनर के टाइम पे भी जैसे मैंने दोपहर के लंच के ऑप्शंस आप लोगों को बताए हैं, वही तरीके के ऑप्शंस आप डिनर में भी ले सकते हो। और डिनर के बाद 9:30 बजे अगर आप डिनर कर ले रहे हो तो उसके बाद आप सोने से पहले भी मिल्क ले सकते हो, जो मैंने आपको शाम को लेने के लिए कहा था। तो अगर आप बहुत ज़्यादा मतलब चाय की शौकीन हो और आप नहीं रह सकते हो तो शाम को आप चाय पी लेना, और रात को सोने से पहले आप गर्म दूध लेके सो सकते हो, ये अच्छा रहेगा। लेकिन बहुत जन को होता है बहुत ज़्यादा एसिडिटी या वॉमिटिंग होता है रात को दूध पीने से, इसलिए मैंने आप लोगों को बताया था कि शाम को टाइम आप जो है वो दूध उस टाइप पे ले लीजिए और डिनर के बाद आप जो है मत लीजिए। था टोटल मील प्लान जो आप प्रेगनेंसी के दौरान ले सकते हो। इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स हैं मैं ज़रूर इसमें बताना चाहूँगी कि हम लोग का जो अभी लाइफस्टाइल है, हम लोग बाहर से फूड ऑर्डर करके खाते ही है, हम लोग का ये एक थोड़ा सा होता ही है कि फास्ट फूड वगैरह, लेकिन इस टाइम पे जो है बहुत ज़्यादा ऐसे तला हुआ चीज़ या फ्राइड चीज़ नहीं लेना चाहिए है। और अगर आप बाहर से फूड ऑर्डर भी करे हो तो आप कोशिश करो कि इस टाइम बाहर का नॉनवेज नहीं लेने के लिए, क्योंकि आप जो है जहाँ से भी ऑर्डर करे हो रेस्टोरेंट वगैरह से, वहाँ पे फ्रेशली उस दिन का चिकन या फिश ऑब्वियसली यूज़ नहीं होता है, वो स्टोर्ड होता है। सो स्टोर्ड ये चिकन फिश इस टाइम पे लेना अच्छा नहीं होता है। सो उस केस में जो है फ्रेशली जो आपके सामने बन रहा है, जैसे सैंडविच आप ले सकते हो या फिर पास्ता जो बॉयल हो रहा है और लाइट है, इस तरीके का फूड आप खा सकते हो। या फिर साउथ इंडियन फूड बहुत अच्छा होता है, जैसे उसमें इडली आता है, इडली तो आप देखोगे कि बहुत टाइम पे हॉस्पिटल में भी दिया जाता है, या डोसा या फिर जो होता है ढोकला, इस तरीके का जो लाइट फूड आता है। सो इस तरीके के फूड आप बाहर से ऑर्डर करना होगा कभी तो आप करके ले सकते हो, लेकिन नॉनवेज आप थोड़ा सा अवॉइड करो तो अच्छा होता है। इसके अलावा आप दिन में, पूरे दिन में एटलीस्ट 3.5 से 4 लीटर्स पानी पीजिए, बहुत अच्छा होता है इस टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना। सो आप एक अलग अपना बॉटल ले लीजिए और उसी से पूरा दिन पानी पीजिए, ताकि आपको भी मतलब अच्छे से याद रहेगा कि आपने कितना पानी पर डे में पिया हुआ है। सो
इस तरीके से आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए, नहीं तो कम पानी पीने से आपको इस टाइम पे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, जैसे आपके यूरिन इन्फेक्शन हो सकते हैं, कॉन्स्टिपेशन के प्रॉब्लम बढ़ सकता है, डिहाइड्रेशन हो सकता है, इसलिए पानी पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप जो है बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग कर रहे हैं दिन के कोई भी टाइम पे, तो उस टाइम के लिए आप इस तरीके का जो वॉरिस का सैशे आता है, जो कोई भी मेडिकल शॉप में आपको बहुत ईजिली मिल जाएगा, इस तरीके का आप अपने साथ कैरी कीजिए, या फिर अगर आप घर पर रहते तो घर पे जरूर इस तरीके से रख लीजिए। सो ये जो सैशे आता है, ये पूरा 1 लीटर पानी में आपको मिक्स कर लेना है। सो ज्यादा अगर आप कुछ बहुत टाइम तक नहीं खा पी पा रहे हैं या फिर वॉमिटिंग हो रहा है, तो इस तरीके का वॉरिस का पानी आप जरूर पीजिए। ग्लूकॉन डी वगैरह इस टाइम पे अवॉइड कीजिए, क्योंकि उससे जो है आपका जेस्टेशनल डायबिटीज जो है वो सारा प्रोबेबिलिटी बढ़ सकता है और उसमें कुछ फायदा भी नहीं होता है। उसके अलावा उसके जगह पे आप इस तरीके से वॉरिस वगैरह इंक्लूड कर सकते हैं। सो इसमें बहुत ज्यादा मिनरल्स वगैरह होता है, तो बहुत और भी चीज होता है, तो इससे जो है आपकी बॉडी को बिल्कुल भी डिहाइड्रेशन नहीं होगा और वीकनेस नहीं लगेगा। और इसके अलावा जितना भी मैंने ऑप्शन बताया है वो सारा ही आप एक दिन में इंक्लूड मत कीजिए, या फिर कोई और का सुन के कि वो क्या खा रहे हैं या फिर बोल रहे हैं, आप अपने मील में उसको इंक्लूड मत कीजिए। आप देख लीजिए कि वो आपको सूट हो रहा है कि नहीं, क्योंकि इस टाइम पे बहुत सारे खाने में आपको एलर्जी हो सकता है। सो इसलिए आप कुछ भी खा रहे हैं, पी रहे हैं, कुछ भी आप इंक्लूड कर रहे हैं अपने मील में, तो फिर आप अपने डॉक्टर से ज़रूर पूछ के उसके बाद ही वो लीजिए, क्योंकि इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ये मतलब क्रूशियल होता है, क्योंकि जो भी आप ले रहे हो या फिर खा रहे हो वो आपके बेबी तक भी पहुंचता है। सो इसलिए आप एक बार अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर लीजिए, उसके बाद मतलब आपके मील में आप इंक्लूड कीजिए। सो ये था आज का वीडियो, जिसमें मैंने डिटेल में आप लोगों को बताया कि आप लोग प्रेगनेंसी के दौरान क्या क्या चीज़ें खा सकते हो, और ये कोई स्पेसिफिक टाइम का नहीं है, आप फर्स्ट मंथ से लेकर 9 मंथ तक ये पूरा ही टाइम में ये सारा जो ऑप्शन मैंने बताया ये आप ले सकते हो आराम से। मैंने पर्सनली इसी तरीके का ही खाना लिया था अपने प्रेगनेंसी में, और मुझे पर्सनली कोई भी बहुत ऐसे मेजर प्रॉब्लम नहीं हुआ था। सो इसलिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया ताकि आप लोगों को भी ओवरऑल एक आइडिया मिल जाए। सो मुझे ज़रूर बताना कमेंट्स में कि अगर इस रिलेटेड कुछ और आपके सवाल है तो मैं ज़रूर उसका आंसर करूँगी। सो अगर ये वीडियो अच्छा लगे सो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि जो लोग भी मेरी तरह प्रेग्नेंट है या होने वाले हैं उनको भी इस वीडियो से हेल्प मिले। और ये वीडियो अच्छा लगे सो इसे भी लाइक कीजिएगा, और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत जल्द मिलेंगे इसी सीरीज़ में कोई और नया इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।